विधानसभा निर्वाचन बिगुल बाजिबा परे एबे पश्चिम बंग राजनीति को नहीं सरगरम नेता मानंक दल डिया कार्यक्रम जोरसोर चली पश्चिम बंग दखल पे भारतीय जनता पार्टी एबे अंटा भिड़ी बड़ बड़ नेता मानंक तुहाकु तुहा रैली एवं पब्लिक मीटिंग चली तृणमूल कांग्रेस दल पश्चिम बंगे बीजेपी को हराई पुणी क्षमता हासिल करबा बोली विश्वास रखी निकट में ममता बनर्जी आहत हो डाक्तरखाना भर्ती होते किंतु एबे से व्हील चेयर रे बसी निर्वाचन प्रचार जोरसोर चलाई केन्द्र सरकार लोक मान हित अनेक गुड़िया योजना करगुड़ी पश्चिम बंगे टीएमसी लागू कर अमित शाह जनसभा मानक भाषण देती दीर्घ दस वर्ष शासन काल में तृणमूल कांग्रेस दुर्नीति भ्रष्टाचार और गुंडागिरी करुवा बीजेपी दल पक्ष प्रचार बेले कहुच्छ अपरपक्षे केन्द्र बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल रंधन गैस दर वृद्धि लालकिला इंडियन एयरलाइन बीएसएनएल आदि घरकरण करने नोटबंदी फल भारत अर्थव्यवस्था शोचन होता आदि विषय बीजेपी को घेरी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को बहु राज्य मुख्यमंत्री मैंने समर्थन जन पश्चिम बंगे जितवा नहीं बीजेपी दिन बेला स्वप्न देखुची बोली ममता बनर्जी भाषण में कही कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टिकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर कर रख दिया है। ये प्रधानमंत्री अपनी बांगलाय कोनो काज करते आसें ना, कुछ करते अपप्रचार करते आसें, सेटा अपनी राजनैतिक कारणे आसते ही पारें, ताते आमादेर कोनो आपत्ति नहीं, किन्तु अपनी बांगलाय आज के प्रचार करते आसछेन, प्रचार करार आगे जवाब दिन क्यों एलपीजी गैस दाम 900 टाकार मत हो जवाब आपके दीते हैं आगे बोल डिजेल दाम क्यों बेड़े जवाब दिन पेट्रोल दाम क्यों बेड़े जवाब दिन गैस दाम क्यों बढ़े रोज जवाब दिन बांगला सरकार बिना पैसा चाल दे আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয় বুঝতে পারছেন বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা নরেন্দ্র মোদী আপনার দাম কত টাকা এবার জিজ্ঞেস করুন বড় বড় ভাষণ দেন এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হবা আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে